नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र के सामने एक अजीबोगरीब मांग रखी है। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है और ऐसा ना करने पर जल समाधि लेने के लिए कहा है। आचार्य ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मैं मांग करता हूं कि भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो मैं सरयू नदी में समाधि ले लूंगा। परमहंस महाराज यहीं नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार से मुसलमान और ईसाइयों की नागरिकता को रद्द करने के लिए कहा है। बता दें कि परमहंस महाराज लगातार ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता को खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। वे अन्य क्षेत्रों के संतों को भी एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर को कई हिंदू संगठन परमहंस के समर्थन में हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन करेंगे। परमहंस महाराज का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर जब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे, उस वक्त भी परमहंस महाराज ने ट्रस्ट पर लगाए सभी आरोपों को गलत बताया था और दोनों पार्टियों पर 1,000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही थी। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़।